फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं चॉकलेट मफिन्स और वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से। मजेदार है ना? चलो साथ में बनाओ। Hey guys, welcome to प्रणवी टाइम्स और मैं हूँ प्रणवी। गाइज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और कुकिंग DIY जो कि है चॉकलेट मफिन्स। इट्स सुपर इजी टू डू। इट्स नॉट ओनली नॉन फायर कुकिंग बट ऑल्सो नॉन बेकिंग। ना ही हमें माइक्रोवेव चाहिए, ना ही ओवन चाहिए, ना ही मम्मा पापा की हेल्प चाहिए। इट्स दैट इजी। हम बच्चे इसे खुद बना सकते हैं। इसके लिए हमें बस दो चीजें चाहिए। पहला ओरियो बिस्किट्स और मलाई, घर की मलाई। हो गए ना हैरान? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओरियो बिस्किट्स और उनकी और उसके अंदर जो क्रीम होती है उसको अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक ओरियो बिस्किट को दो हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे और बिस्किट्स और क्रीम को अलग अलग कर देंगे। और हम क्रीम को अलग करने के लिए बटर नाइफ का यूज़ करेंगे। अगर आपका ओरियो बिस्किट थोड़ा टूट भी गया तो कोई बात नहीं, हमें उसको ग्राइंड ही करना है, सो इट हार्डली मैटर्स। मैंने यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिस्किट्स लिए हैं वो है 20। आप उसी के हिसाब से मेरी आगे की जो रेसिपी है उसको फॉलो करना। और आप क्रीम को निकालने के लिए बटर नाइफ, फोक या टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्रीम की हमने बना लिया एक बॉल। इससे खेलना नहीं है, साइड में रखते हैं। ओके, तो अब हम इन बिस्किट्स के और टुकड़े करके मिक्सी जार में डाल देंगे। ये हो गए हैं बिस्किट के टुकड़े। अब हम इसे कर लेंगे फटाफट ग्राइंड। ग्राइंड हमें तब तक करना है जब तक इसका फाइन पाउडर ना बन जाए। अब ये ग्राइंड हो गया है। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही फाइन पाउडर ही इसको रखना है। तो अब हम इस पाउडर को एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये है मेरा बिस्किट का पाउडर। और फिर मैंने ली है 5 to 6 स्पून्स घर की मलाई। इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद हम इस मलाई से हमारे बिस्किट्स के पाउडर का एक डो बना लेंगे, उसको गूंध लेंगे। और याद रहे फ्रेंड्स, हम मलाई को धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ मलाई नहीं डालनी वरना वो बहुत पतली बन जाएगी। हम धीरे धीरे करके उसको गूंधेंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल एक डो की तरह होगी। ये देखो फ्रेंड्स, अभी मलाई बच गई है। अच्छा हुआ ना मैंने एक साथ नहीं डाली, अगर एक साथ डाल देती तो पतला हो जाता। तो फ्रेंड्स, इससे ये पता चलता है कि 20 बिस्किट्स के लिए 4 to 5 स्पून्स मलाई ही सफिशिएंट है। देखा फ्रेंड्स, हमें बस दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए डिलीशियस चॉकलेट मफिन्स बनाने के लिए। चलो फ्रेंड्स, अब मफिन्स बनाते हैं। तो ये है वो क्रीम जो हमने ओरियो बिस्किट से निकाल के उसकी एक बॉल बनाई थी। अब हम इसके बॉल्स बना देंगे। हम बड़ी बॉल्स बनाएंगे। आप चाहे तो छोटी भी बॉल्स बना सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा बड़ी पसंद है। अब हमने एक सर्कल बना लिया है। अब हम इसको फ्लैट कर देंगे। फ्लैट करने के बाद इसकी हम थोड़ी सी पार्ट लेंगे और उसको इसके अंदर ऐसे फिल करके इसको हम बंद कर देंगे। इसको हम इवन शेप दे देंगे ऊपर से और नीचे से।
मफिन का शेप दे देंगे। हमें ये पूरा बंद नहीं करना, जैसे मफिन में नीचे से थोड़ा सा खुला होता है, हमें बस वैसे। तो ये रही हमारी पहली मफिन। तो चलो ऐसे ही हम अपनी मफिन्स बना लेते हैं। My muffins are complete. तो फ्रेंड्स अब बारी आती है इनको गार्निश करने की। तो सबसे पहले मैं इसको फटाफट प्लेस कर देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ फ्लावर और सन। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे हर्षी सिरप। आई लव दिस सिरप। बिल्कुल हम इस पर थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी है। फ्रेंड्स हर्षी सिरप और गार्निशिंग कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रेटी बनाने के लिए मैं तो ये करूँगी। मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ किए हैं ये कलरफुल स्प्रिंकलर्स, ये मफिन्स पे अपने आप ही स्टिक हो जाएंगे। Awesome! तो तैयार है हमारे मफिन्स चट कर जाने के लिए। एंड नाउ इट इज रेडी टू गो इन माय टमी। हाँ तो पहले मैं इसको खा लेती हूँ वरना मेरे घर वाले तो छोड़ेंगे ही नहीं इसको। मुंह के अंदर लग रही थी। ऐसे और डीआईवाईज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि जब भी मैं कोई DIY वीडियो लाऊं आपके फोन में DIY इसकी बार आ जाए। Stay tuned for more excitement.